वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों डिस्क्लेमर के हिसाब से इस वीडियो के अंदर किसी भी क्रिप्टो को खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। अपनी एक रिसर्च जरूर कर लेना किसी भी चीज को बाय या सेल करने से पहले, ठीक है। किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस इस वीडियो के अंदर नहीं है, ठीक है। आज हम जो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, काफी दिनों के बाद बना रहा हूँ दोस्तों, और आज मैं बात करूंगा NFTV के बारे में। कुछ दिनों में जो NFTV कुछ ऐसी अनाउंसमेंट लेके आया है जिसको सुन के आपके पैरों के तले जमीन निकल जाएगी। जो Web3 प्रोटोकॉल के अंडर इस इकोसिस्टम को माना जाता था, इवन ये भी कहते थे कि हम एक Web3 इकोसिस्टम है। इनके जो CEO फाउंडर है उसने खुद भी कहा है कि हम एक Web3 इकोसिस्टम है, और इसके अंदर इन्होंने Web3 इकोसिस्टम के अंदर इन्होंने एक अनाउंसमेंट डाली, जिसके अनाउंसमेंट के अंदर इन्होंने कहा है कि सबसे पहले लोगों को फोर्स किया गया, वो किस लिए फोर्स किया गया कि इसके अंदर आप स्टेकिंग कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेकिंग के बाद रीस्टेकिंग भी कर सकते हो, ठीक है, रीस्टेकिंग कर सकते हो। इसका मैं आपको एक वो भी दिखाऊंगा कि भाई इस जो अनाउंसमेंट को बनने के बाद एक प्रूफ भी दिखाऊंगा कि रीस्टेकिंग जो इन्होंने बोला है, खुद ही बोला है इनकी टीम ने कि रीस्टेकिंग कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इस अनाउंसमेंट के अंदर कि यहाँ पे रेज्यूम कर दिए गए हैं जितने भी लोगों ने स्टेकिंग की है, उनके स्टेकिंग को खत्म कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया है, और उसको नया एक प्लान दिया गया है। एक्चुअल जो इसकी रीस्टेकिंग के अंदर 100% 40% 30% का जो APR दिया जाता था, APY दिया जाता था, तो वो सालाना, मतलब जो सालाना होता था, और उसके एवरेज में जो भी लोग स्टेकिंग करते थे वो लॉक, और वो लॉकिंग के एवरेज में, मतलब वो अनलॉक नहीं हो सकते थे, तो उनके एवरेज में उन लोगों को, उनको कुछ रिवार्ड दिए जाते थे डेली बेसिस पे, ठीक है। वो रिवार्ड जो था वो डेली बेसिस पे दिया जाता था। अब वो डेली बेसिस का जो रिवार्ड है वो आप लोग ये बताओ वो किसका हुआ? वो हुआ इन्वेस्टर का। आपने रिवार्ड अपनी तरफ से दे दिए, लोगों ने लॉक किया, रिस्क लिया, और उसके बाद रिवार्ड आपने दिए, और उसके बाद जो रिवार्ड है वो उसका हो गया, इन्वेस्टर का हो गया। और इन्वेस्टर अपने रिवार्ड को या तो बेचे, अगर कोई बेचता है तो उसका मतलब ये है कि इकोसिस्टम को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं बेचता तो इकोसिस्टम के ऊपर वो, इसका मतलब ये है कि वो उसको होल्ड करके बैठा है, या स्टेक कर दिया उसने इकोसिस्टम के अंदर ही, तो उसके इकोसिस्टम में अगर उसने स्टेक किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर भरोसा कर रहा है। नहीं हुआ इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर रीस्टेक, एक जो लोकप्रिय स्टेकिंग है, जब भी जो टोकन से कुछ स्टेकिंग मिलती है तो टोकन को अगर जो होल्डर को वो अच्छा लगता है या इन्वेस्टर को जो अच्छा लगता है तो इसी इकोसिस्टम में वो दोबारा स्टेक करता है। ये कोई किसी भी तरह का कोई भी धोखा नहीं है। इन्वेस्टर ने बिलीव किया तो उसके अंदर उन्होंने स्टेक किया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जब इनको लगा, जिस टाइम इनको लगा, पहले तो अनाउंसमेंट अच्छी दे दी, उसके बाद ऑफर दिया लोगों को कि ये लास्ट डे है, इसके अंदर आप स्टेकिंग करना चाहते हो तो वो कर लो, और उसके बाद नहीं तो ये जो हमारा जो स्टेकिंग का प्रोग्राम है बंद होने वाला है। इन्होंने जो बंद होने वाला है, मतलब अभी इसके बाद 100% स्टेकिंग होगी नहीं, किसी भी तरह की कोई स्टेकिंग नहीं होगी, उन्होंने स्टेकिंग स्टॉप कर दी। उसके बाद एक मैसेज आता है कि वी हैव रिज्यूम्ड द स्टेकिंग प्रोग्राम और रिस्ट्रक्चर्ड कर दिया है। उसमें रिस्ट्रक्चर्ड में ये वो लोग क्या कहते हैं, पहले तो ब्लेम लगाते हैं उसके ऊपर जो इन्वेस्टर है, और ब्लेम लगाने के बाद ये कहते हैं कि किसी ने भी एक्स्ट्रा वॉलेट बनाए हैं, वो इसके साथ हम गेम किया है। एक बार बताओ माय फ्रेंड कि अगर हमने किसी भी इन्वेस्टर ने अगर इनके साथ गेम किया है, किसी भी तरह का कोई गेम किया है, तो वो रीस्टेक इसी इकोसिस्टम में करना था। क्या हैक किया है या कुछ और किया हो तो बताओ, ठीक है। और नहीं किया तो हमारे जो टोकन है, किसी के भी टोकन है, वो वापस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। पहले तो हर डिसीजन के अंदर जो लोगों को यस या नो पे क्लिक करके, ठीक है, गवर्नेंस के अंडर आपने सारे डिसीजन लिए, लेकिन ये जो डिसीजन आपने तो जो लिया है वो बहुत गलत लिया है। मैं सारी क्रिप्टो कम्युनिटी से ये बताना चाहता हूं कि जो पिक्सल रियलम, जो भी इन्होंने रिस्ट्रक्ट जो कर रहे हैं इसका नाम को या इसके उसको कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने ये दावा किया है कि इनके जो यूजर हैं वो 120,000 प्लस यूजर, मतलब 1,00,000 से भी ज्यादा यूजर हैं इनके। तो मैं आपको ये बता दूं कि 1,00,000
के यूजर हैं, इन यूजर के अंदर से जितने लोगों ने भी स्टेकिंग की है, मतलब इनके ऊपर जितने लोगों ने विश्वास किया है, उनका जो विश्वास है इन्होंने उनको धोखा दिया है। जो जो एनएफटी भी गेमिंग है वो बिल्कुल जो इन्वेस्टर को उनके जो जितने भी रिवार्ड थे, जितने भी टोकन थे, जितने भी स्टेक किए थे, उन सबको उन्होंने मार लिया। मतलब उनको वो क्लेम नहीं कर सकते किसी भी एंगल से, ना वो किसी भी एंगल से उसको ले सकते हैं। क्लियर कट कोई भी एडमिन जवाब नहीं देता। और रीस्टेकिंग का मैं आपको बताऊं, एक मैसेज दिखाता हूं आपको। यहां पे बोला गया है कि जो मल्टीपल वॉलेट बनाए गए और लोगों ने रीस्टेकिंग किया, ठीक है, लेकिन इसकी जो परमिशन है लोगों ने मांगी ऑलरेडी, इसका सबूत मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि यहां पे जो जो इसका जो एडमिन है, एजे एडमिन है, उसने उससे ये पूछा गया कि कैन आई रीस्टेक एनएफटीबी कॉइन टुमारो। मतलब उसने पूछा रीस्टेक कर सकता हूं मैं अपने टोकन को, ठीक है, और एज माय ऑल एनएफटी कॉइन इन वॉल्ट, मेरे जो सारे जो कॉइन है वो वॉल्ट में है, विल बी विड्रो टुमारो, कल वो निकल रहे हैं, विड्रो हो रहे हैं, और मैं क्या दोबारा रीस्टेकिंग कर सकता हूं। इन्होंने बोला यस, देखो साफ प्रूफ है कि इसके एडमिन ने बोला यस। क्या हम ये समझ ले कि एडमिन वगैरह ये सब मिला हुआ है, ठीक है, इनके सब आंसर, अगर ये चीज इनको दिखाई जाती है तो इसका आंसर ही नहीं देते किसी भी एंगल से। और ये जो जबरदस्ती सबके जो टोकन है उन्होंने मार लिए, ठीक है, और टोकन नहीं दे रहे और अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट पब्लिकली दे रहे हैं। तो दोस्तों अब हम ट्विटर के ऊपर जाते हैं, ट्विटर के ऊपर देखते हैं कि ये लोग जो है यूनिस्वैप की डेप्थ लिस्टिंग के लिए भी ऑफ कर रहे हैं कि यूनिस्वैप टायर वन एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए बोल रहे हैं। और बिगेस्ट एयर ड्रॉप इन हिस्ट्री, बिगेस्ट एयर ड्रॉप तो कभी हो ही नहीं सकता हिस्ट्री के अंदर। इनका जो ऑफर था ये था कि जो ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग करेगा या स्टेकिंग के साथ होल्ड भी करेगा तो उसको सबसे ज्यादा एयरड्रॉप मिलेगा, लेकिन एयरड्रॉप के नाम पे इन्होंने सबके जो टोकन को वो हड़प लिया, मतलब कब्जा कर लिया है, वो किसी को स्टेकिंग रीस्टेकिंग का जो भी लेने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। इनका अपने तरीके से सारी चीजों का बनाया और लोगों ने उस चीज का पूछा भी कि भाई स्टेकिंग रीस्टेकिंग कर सकते हैं, इन्होंने बोला यस कर सकते हैं, और ये भी बोला किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे डीएम में मैसेज करिए। एजे ने बोला क्लियर कट, मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूं, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलता बिना प्रूफ के, ठीक है, कैन आई स्टेक एनएफटीबी टोकन टुमारो, ऑल माई एनएफटीबी कॉइन वॉल्ट विल बी विड्रो टुमारो, तो कल मेरे जो जितने भी एनएफटी कॉइन में से विड्रो हो रहे हैं, जो भी स्टेकिंग की थी मैंने उसके कॉइन विड्रो हो रहे हैं, क्या मैं स्टेकिंग कर सकता हूं। इसने ये बोला यस और स्माइली का निशान बनाने के इसके बाद का एक कोई इशू है तो फील फ्री डीएम मी, ठीक है। तो ये क्या सब मिले हुए हैं, इसका मतलब कंपनी जो है, जो इकोसिस्टम है एनएफटीबी का, जो टीम है, वो कहीं ना कहीं एक लालच को भी साथ लेके चल रही है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि एक कंपनी आपको कुछ देगी, ठीक है, अगर देगी भी तो भी आपको रुला देगी अच्छी तरह। जहां तक ये अच्छा चला हमने अच्छा बताया, अब ये बुरी हरकत कर रहा है तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। मोस्ट ऑफ द जो कुछ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर का भी वीडियो बनाया, हमने भी इसका वीडियो बनाया जब तक ये अच्छा काम कर रहा था दोस्तों। अब लेकिन इन्होंने जो कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी है तो मैं बिल्कुल भी रुक नहीं पाया। काफी लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि नेगेटिव वीडियो मत बनाना। दोस्तों जो चीज नेगेटिव है तो उसका जो नेगेटिव वीडियो बनाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है किसी भी तरह का, और मेरे वीडियो बनाने से ना बनाने से किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और कंपनी अपना मूड बदले या ना बदले वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ये था मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं बनाया, जब बनाने के लिए मैं रेडी हुआ मेंटली, ये धोखा मैंने देखा और धोखे के बाद काफी दिनों के बाद मैं मतलब ढंग से अपने माइंड को सेटअप नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मैं ठीक हूं तो मैंने सबसे पहले एनएफटीबी का ही वीडियो बनाने के लिए सोची, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह से चुप बैठना चाहिए। एज ए कम्युनिटी अगर देखा जाए तो कम्युनिटी को बहुत बड़ा दुख दिया है और काफी सारे लोगों के यहाँ पे काफी अच्छे खासे जो स्टेकिंग रीस्टेकिंग था जिनको ये देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिल्कुल किसी भी एंगल से जो एनएफटीवी की टीम है पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कर रही। मुझे ये टोटल अपनी तरफ से लग रहा है, ये मैं मुझे ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल भी अच्छी टीम नहीं है, बिल्कुल भी स्कैम करने के लिए तैयार है, स्कैम कर ही लिया है इसने ऑलरेडी जो इन्वेस्टर 120 जो के है इन्वेस्टर के साथ, यूजर जो यूजर के साथ अगर धोखा कर सकते हैं दोस्तों, ये कभी भी अपने टोकन को डंप कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये लोग है जो ये लोग किस तरह से इन लोगों के साथ धोखा किया, ठीक है। यहाँ पे एक तो बाइनेंस लैब का नाम दे दिया, ठीक है, और बाइनेंस लैब का अच्छा ठीक है कोई रिलेशन होगा, इट्स फाइन, बीएससी चेन्नई इनके साथ, वो भी इनका जो एक दो ट्वीट भी किए हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एंगल से ये लोगों के पैसे खाएं। अगर मैं आपको एक वीडियो मैं आपको सुनाता हूं कि इस वीडियो के अंदर ये आप क्लिप देखिए दोस्तों, बाइनांस लाइव के अंदर इसका जो मांटा के साथ एनएफटीबी का एक बाइनांस लाइव हुआ था उसके अंदर देखो इन्होंने क्या बोला था। For which we are going to be releasing more details in Q1 next year. But what I can mention as basically some of the next milestones is that we are going to be closing our NFTB vaults on our staking hub, which had high APIs up to 100%. So those vaults will be closed in 10 days. So everyone who stakes their tokens before the 10th of December will be still able to. And burn the watch. This one, both are going to be closing. And next year, when we release our chain, basically we are going to be renaming our token. देखो इसके अंदर क्या है कि 10 तारीख से पहले पहले कोई स्टेक करना चाहता है तो कर सकता है, 100% स्टेकिंग वो ले सकता है, राइट। ये कह रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, उसके बाद 100% की तो स्टेकिंग फिर भी लेना चाहता है तो वो 10 तारीख से पहले पहले वो स्टेक कर सकता है। ये लोगों को इसने बताया, इसके जो सीईओ ने Around token, let's say, and for all over for all our loyal supporters and long timer fans of NFTB, or even new users who interact with our platform, registers, trades, joins, participates, will be entitled to some good amount of airdrop, which I'm not gonna specify now. ये कह रहे हैं कि अभी मैं जो बहुत अच्छी क्वांटिटी का जो एयरड्रॉप के बारे में बताना नहीं चाहता, जो एयरड्रॉप जो स्टेकर्स को मिलने वाला है, जो भी जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोगों को मिलने वाला है, जो भी लोगों ने स्टेक किया, रीस्टेक जो भी किया और जो सपोर्ट किया इनको, जो भी होल्डर हैं एनएफटीबी के, उनको एक अच्छा भला एयरड्रॉप मिलने वाला है, ये उसकी बात कर रहे हैं। और करने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि रिवील नहीं करना चाहते अभी, लेकिन जो सच्चाई है वो क्या है, लोगों के जो टोकन लोगों पे ब्लेम लगाया कि क्यों इतने वॉलेट बनाए, क्यों रीस्टेक किया, पर सच्चाई ये है ये कभी भी अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं किया इन्होंने। और जो एक्चुअल जो फ्रंट में जो लेके आ रहे हैं वो कुछ और है, लेकिन बिहाइंड द सीन ये लोग क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं लोगों के, जो जो स्टेकर्स हैं उनके स्टेकिंग को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। दोस्तों किसी को भी ये लग रहा है कि ये जो टोकन आपको वापस मिल जाएंगे या कुछ भी कर जाएंगे, जिस हिसाब से इनकी हरकतें हैं ये एक स्कैम से कम नहीं है, लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया है। ये लोग कह रहे हैं कि 120,000 यूजर हैं और जिसमें से जो स्टेकिंग करने वाले हैं, जितने भी स्टेकिंग करने वाले हैं, मतलब इनके ऊपर जितनों ने भी भरोसा किया, वो भरोसे को इन्होंने टोटल असलियत जो है उस भरोसों को इन्होंने बिल्कुल रोन दिया है, जिसकी वजह से ये जो टोकन है एक स्कैम की सिवाय मुझे कुछ नहीं लगता। ये मेरा अपना पर्सनल जो डिसीजन है कि अब मैं एनएफटीबी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, जिस हिसाब से इन्होंने ये हरकत यूजर्स के साथ की है, कम्युनिटी के साथ की है, ठीक है, वो मुझे बिल्कुल भी रास नहीं है, 1% भी रास नहीं है। इसके एडमिन से बात करो तो बोलता कुछ और है, परमिशन इसने खुद ही दी एडमिन ने, लेकिन तरीके से बात नहीं करता, अगर कोई कुछ कहने की कोशिश करता है उनको बैन कर देते हैं। तो क्या ये रिस्पेक्ट है यूजर्स की? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो एनएफटीबी है बिल्कुल भी एक लालची प्रोजेक्ट हो चुका है। अगर ये लालची है तो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है। तो एनएफटीबी मेरे नजर में, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं रहा। पहले इन्होंने जो भी अच्छा काम किया है हमने उसी हिसाब से अपने वीडियोस बनाए, लेकिन ये जो कम्युनिटी के साथ जो हरकत कर रहा है, जो अच्छे यूजर्स के साथ हरकत कर रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है बिल्कुल भी जो है यूजर्स को बुरा बोल के अपनी जो लालच है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में बात क्या है वो बताता हूं मैं आपको। इनके टोकन जो है जून के अंदर इनके टोकन जो अनलॉक होने हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और जो मोस्ट ऑफ जनरल लोगों को मैंने ये भी बोला था कि जो इनके जो टोकन से पहले अपने टोकन को निकाल देना, क्योंकि अगर इनके टोकन जो रिलीज हो गए तो फिर ये अपने टोकन को बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सेफ साइड जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसी न्यूज दे दी जिससे स्टेकर्स और सपोर्टर्स उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया।
ठीक है, और उनके टोकन को इन्होंने कब्जे में ले लिया। ठीक है, वेब थ्री जो कम्युनिटी है वो जो कम्युनिटी है वो कभी भी ऐसा नहीं करती। तुम एक स्कैमर हो, हजार बार पूछोगे तो हजार बार स्कैमर आज के बाद बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। और कोई भी अगर इसको कहता है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है तो ये समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं ये अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। और इनके टोकन जो होंगे वो रिलीज होने वाले जून के अंदर, इनके टोकन जैसे रिलीज होंगे, और प्लस इन्होंने जितने भी स्टेकर्स हैं उनका के भी टोकन ले लिए, तो मतलब कई मिलियन टोकन जो स्टेकड थे वो इन्होंने हड़प लिए। और उसके साथ साथ मिलियन टोकन हड़पने के साथ साथ इनके अपने भी कई मिलियन टोकन मार्केट में मतलब आने वाले हैं, जो अनस्टेक होने वाले हैं जून के अंदर। ये लोग क्या करने वाले हैं कि आपके जो इस मैटर को आपसे पहले कह रहे केवाईसी करनी पड़ेगी, उसके बाद केवाईसी करने के साथ साथ ये लोग इस मैटर को 2-3 महीने तक खींचेंगे। 2-3 महीने के खींचने के बाद इनके टोकन भी इनके पास आ जाएंगे और आपके टोकन भी इनके पास आ जाएंगे। तो ये उस टाइम जो क्या करेंगे, अपना इनका मन है, क्या फैसला करें या नहीं करें, मुझे नहीं लगता कि एक वेब थ्री इकोसिस्टम को केवाईसी करने के लिए प्रेशर डालना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि इंटरकनेक्टेड जो वॉलेट है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या मतलब, ये सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था कि डिसेंट्रलाइज? पहले तो बोल दिया लोगों को कि ये अच्छा मौका है, स्टेक कर लो 100% स्टेकिंग के लिए, यू नो 10 तारीख तक लास्ट डेट है, वहां पे कह कह के लोगों को स्टेक करवा दिया। इवन इनके एडमिन ने भी बोला कि स्टेक कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब रीस्टेक कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जितने भी रीस्टेकर थे उनके जो पैसे को हड़पने की पूरी साजिश थी ये इनकी, ये क्लियर कट पता चल गया। कोई भी थर्ड पार्टी से पूछ लो, किसी यूट्यूबर से पूछ लो, काफी जो लोग हैं वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनके जो पैसे लगे हैं, दोस्तों सबके पैसे लगे हुए हैं, इंसाफी हो रही है। कुछ लोग बोल नहीं रहे, वो सोच रहे हमारे पैसे निकल जाए, हमारे पैसे निकल जाए। इससे आप बच के रहो। अगर इसने कोई डेवलपमेंट भी कर दी, कुछ अच्छी चीजें भी कर दी, तो कहीं ना कहीं फिर से ये धोखा दे सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए धोखेबाज क्यों बन सकता है? बिकॉज इसके पास आपके टोकन भी है, मतलब कम्युनिटी के बहुत ही ज्यादा टोकन है जो कम्युनिटी ने रीस्टेक करते स्टेक करके जो भी अर्न किया था, जितने महीने में भी अर्न किया था, वो सारे के सारे टोकन इन लोगों ने, एनएफटीवी की टीम ने दबा लिए। दबाने के बाद उन्होंने उनके जो टोकन है वो जून में निकल रहे हैं, तो उनके टोकन भी आ जाएंगे। और जो जो बर्निंग भी करेंगे वो भी अपनी जेब में से नहीं करेंगे, ये ना मार्केट से बाय करके करेंगे, ये लोग क्या बर्निंग भी अपने से हमारे टोकन से ही कर देंगे। इनके जो लॉन्च पैड के ऊपर भी काफी लोगों ने स्टेकिंग किया, वो क्यों किया उसका मैं रीजन बता देता हूं कि इन्होंने एक अनाउंसमेंट रिलीज करी काफी दिनों तक। अनाउंसमेंट क्या थी? लॉन्चिंग ऑन पिक्सल रियलम फर्स्ट BRC-20, ठीक है। और उससे पहले ये इन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट BRC-20 लॉन्च कमिंग इन जनवरी। तो इन्होंने बोला कि जनवरी के अंदर जो BRC-20 जो लॉन्च हो रहा है। अब BRC-20 के टोकन की कितनी ज्यादा हाइप है, और वो हाइप को देखते हुए इनको पता था कि काफी लोग जो अपने जो टोकन है वो स्टेक करेंगे वो BRC-20 के लालच में, मतलब BRC-20 का जो लॉन्च पैड के ऊपर टोकन आ रहा है उसको बाय करने के लिए काफी लोग करेंगे। तो इन्होंने के यहाँ पे झूठ लिखा कि कमिंग इन जनवरी, की जनवरी के अंदर आ रहा है, लेकिन अब तो फरवरी चल रही है ना, वो टोकन आया, लोगों ने स्टेक भी कर दिया और इन्होंने उस स्टेक को लॉक भी कर दिया, मतलब उसको स्टेकिंग जो करी थी लोगों ने उसके स्टेकिंग को बंद भी कर दिया। और वो कोई जो भी स्टेकर है वो अपने ना तो लॉन्च पैड पे टोकन को जो ले पा रहा है, मतलब क्लेम कर पा रहा है, ना ही वो क्लेम कर पा रहा है जो नॉर्मल जो स्टेकिंग थी, मतलब इन्होंने इतनी सारी स्टेकिंग वहां पे प्रोवाइड की हुई थी। अब ये क्लियर कट लगने लगा है कि ये जो टोकन है कहीं ना कहीं जो लोगों के जो स्टेकिंग के ऊपर इनका जो लालच है वो बढ़ चुका है, और वो जो स्टेकिंग किसी भी एंगल से जो लोगों को दोबारा से उसको दे नहीं रहे। मैं ये पूछता हूं कि रीस्टेकिंग करना क्या गुना है? ठीक है, अगर आप देखो तो काफी सारे जो टोकन है उसके अंदर आज की डेट में जो रीस्टेकिंग चलती है, और जो भी रीस्टेकिंग करता है तो वो जो सिस्टम है, वो जो इकोसिस्टम है, वो ये समझता है कि जो रीस्टेकिंग कर रहा है या जो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर स्टेकिंग कर रहा है वो एक तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से वो जो उसको एक सपोर्ट दे रहा है, लेकिन ये उसको लोगों को स्कैमर बोल रहे हैं। ये क्लियर कट लग रहा है कि उल्टा चोर
कोतवाल को डांटे, ऐसा सीन क्रिएट कर दिया, खुद चोर हैं और ये कोतवाल को डांट रहे हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके यहाँ स्टेकिंग किया, रीस्टेकिंग किया, उनको ये बोल रहे हैं कि गलत किया। मतलब ये क्या बात हुई? आज की डेट में अगर देखा जाए तो केक के ऊपर स्टेकिंग रीस्टेकिंग अवेलेबल है, कुसामा के टोकन के अंदर आप रीस्टेकिंग कर सकते हो, GLMR के अंदर रीस्टेकिंग करते हो, डॉट के अंदर, जूनो के अंदर आप रीस्टेकिंग कर सकते हो। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो बोलता है कि रीस्टेकिंग गलत है? ठीक है, मिसयूज हो गया, ये हो गया, वो। अगर आपने कोई अपने लिए लोगों के लिए कुछ विंडो ओपन करी है, अगर वो लोगों ने आपसे पूछ के ये जो स्टेकिंग करी है उसके बाद आपके एडमिन्स ने बोला है कि यस आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताओ, ठीक है, स्टेकिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो, रीस्टेकिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है तो बताओ, उसके बाद आप लोग कह रहे कि लोगों ने गलत किया। इस तरह के जो लोग, इस तरह की मेंटेलिटी के लोगों को क्या बोला जाता है आपको पता है? इस तरह की जो मेंटेलिटी के प्रोजेक्ट या टीम को केवल और केवल स्कैमर बोला जाता है। तो ये जो मुझे क्लियर कट बिल्कुल भी टीम बिल्कुल भी किसी भी एंगल से अच्छी नहीं लग रही दोस्तों, ठीक है, मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टीम है अगर अपने जो सपोर्ट किए हैं जिन लोगों ने उनको धोखा दे सकती है, तो आप लोगों को कभी भी धोखा देती रहेगी। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इनके पास आज की डेट में 3 टाइप के टोकन है। एक तो जो स्टेकर के टोकन है इन्होंने मार लिए, इन्होंने कब्जा लिए, स्टेकर्स के टोकन बहुत ज्यादा क्वांटिटी के हैं। और दूसरा, स्टेकर के टोकन के साथ साथ इनके पास जो ऑलरेडी स्टेकिंग के लिए टोकन जो पड़े होते हैं, जो लोगों को स्टेकिंग रिवार्ड दे रहे थे, वो वाले टोकन पड़े हुए। तीसरा, इनका जो उनके अंदर बहुत बड़ा फंड रिलीज होने वाला है, मतलब आने वाला है, कई मिलियंस के जो टोकन वहां पे अवेलेबल है, उनकी कीमत भी कई मिलियंस डॉलर के अंदर है। तो वो और ये और तीन तरह के टोकन इनके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, तो आप भी अलर्ट रहना। ये जो प्रोजेक्ट है अभी भी सेल कर रहा है, कुछ डाटा मैंने देखा था कि अपने ये हमारे टोकन को बेच बेच के मार्केट में इसको डंप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनका जब टोकन भी इनके पास आ जाएगा, ठीक है, हर कोई इंसान जो क्रिप्टो से अमीर बनना चाहता है, मुझे लगता है ये जो प्रोजेक्ट है ये इसको एक बहुत, इसका जो लालच काफी बड़ा हो गया, इसने देख लिया कि मेरे टेबल के ऊपर काफी सारे टोकन पड़े हैं, इसने उन टोकन के ऊपर कब्जा कर लिया। मैटर नहीं है कि वो आप लोगों के इन्वेस्टर्स के टोकन है, इसने सारे टोकन को दबा लिया अपने पास रख लिया, जो बिल्कुल बेकार है। और लोगों के सामने बाइनांस का जो लाइव किया उसके सामने ऐसा दिखाया कि इससे बड़ा इकोसिस्टम कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है एक स्कैम है, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, कुछ अच्छे काम करते थे, जो टीम अनाउंसमेंट थी वो सारी आपके सामने लेके आता था। लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि ये जो टीम है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जो स्कैम करने वाली है लोगों के साथ, और इन्होंने स्टेकर के साथ स्कैम किया है। तो आपके साथ जो भी नए यूजर हैं उनको मैं ये कहता हूं कि अगर वो NFTB में एंट्री करने की सोच रहे हैं तो वो सोच लो और 10 बार सोचो, ठीक है। इसमें कोई भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसके अंदर आने से पहले 50 बार सोचो कि ये जो टोकन में क्या एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। जो टीम है सपोर्टर को धोखा दे सकती है वो कभी भी यहाँ इस इकोसिस्टम से भाग भी सकती है दोस्तों, ठीक है। बी अलर्ट, ये बहुत बड़ा अलर्ट उन लोगों के लिए जो लोग आने वाले सोच रहे हैं NFTB के बारे में। लेकिन उन लोगों को मैं क्लियर कट बता दूं कि ये जो टीम है बिल्कुल भी ट्रस्टवर्थी नहीं है, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और बी अलर्ट मैं यही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि टीम तो सुनती नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अपने विचार तो व्यक्त कर ही सकते हैं ना। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।